आज कांग्रेस नेता संजय गांधी की पुण्यतिथि है। मंगलवार को कुछ कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता संभागायुक्त कार्यालय पहुंचे और उन्होंने शहर के मध्य में बने संजय सेतु से स्वर्गीय संजय गांधी की प्रतिमा गायब होने की सूचना ज्ञापन के माध्यम से संबंधित अधिकारी को दी। इस दौरान कांग्रेसियों का कहना था कि तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह द्वारा इंदौर शहर के संजय सेतु निर्माण की आधारशिला रखते हुए स्वर्गीय संजय गांधी की प्रतिमा की घोषणा की गई थी तथा तत्कालीन सरकार द्वारा सेतु निर्माण के दौरान उस प्रतिमा को हटा दिया गया था। यह निर्माण कार्य इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया था, जबकि संजय सेतु के निर्माण का कार्य कई वर्ष पूर्व हो चुका है, किंतु प्रतिमा अपने स्थान से गायब है। इस विषय में लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा खोजबीन की गई, किंतु कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इस कारण कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को आज स्वर्गीय संजय गांधी की पुण्यतिथि पर अवगत करवाया है। इंदौर शहर के अंदर संजय गांधी की मूर्ति स्थापना अर्जुन तत्कालीन अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, उनकी आधारशिला के आधार पर यहाँ संजय सेतु पर उनकी मूर्ति सुरक्षित स्थान पर स्थापित की गई थी, किंतु विगत कई वर्षों से जब संजय सेतु का कार्य चला तो उस मूर्ति को हटा दिया गया। उस मूर्ति को हटाने के वास्ते विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार कई वर्षों से उपेक्षित करते हुए रही है तथा उस मूर्ति को अपनी जगह पर स्थापित नहीं किया गया। जब हमने हमारे सूत्रों के माध्यम से विकास प्राधिकरण के माध्यम से जानकारी प्राप्त करी तो वहाँ से यह पता चला गया कि मूर्ति गायब हो चुकी है। उसी को लेकर आज हमने संभाग आयुक्त महोदय के नाम माननीय DIG को हमने एक शहर कांग्रेस की तरफ से एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मूर्ति गायब होने की सूचना दी और उसी पर कार्रवाई करने की मांग की। आज पुण्यतिथि भी है उनकी, 23 जून 1980 को उनकी मृत्यु हुई थी, आज उनकी पुण्यतिथि है। तो 14 दिसंबर 1942 को उनका जन्म हुआ था, क्योंकि दो ही कार्यक्रम ऐसे रहते हैं कि जो मूर्ति के प्रतिमा के स्थान पर जाकर किए जा सकते थे, किंतु कई वर्षों से लगातार उपेक्षित होने के कारण आज हम बड़े रोष व्यक्त हैं हमारे बीच में कांग्रेसियों में, इस कारण हमने आज ये शिकायत करी और उचित कार्रवाई की मांग की है। क्या कारण है कि पुण्यतिथि के दिन ही आप ज्ञापन देने आए, इसके पहले कभी नहीं? इस चीज को कारण ये था कि पुण्यतिथि के अवसर पर जहाँ उनको प्रतिमा लगी रहती है वहीं आदमी पुष्पांजलि अर्पित करता है। हमने जब वहाँ देखा कि आज इस वर्ष भी मूर्ति नहीं लगी तो इसका हमने रोष व्यक्त करते हुए हमने शिकायत की।